नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में शराबबंदी कानून का सच हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि बिहार के दारोगा साहब ही शराब की सप्लाई कर रहे थे। देखिए, बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और इसको लेकर लगातार कवायद की जाती है कि लोग जो है शराब ना पिए, जहरीली शराब का सप्लाई ना हो और किसी भी तरीके से जो है पूर्ण तरीके से शराबबंदी कानून जो है बिहार में लागू हो सके। लेकिन इसका धरातल पे, जमीनी स्तर पे अगर आके देखें तो इसकी सच्चाई कुछ और निकल के आती है। मामला जो है अब बक्सर से निकल के आया है, जहां के दारोगा साहब जो है खुद शराब की जो है सप्लाई करते हुए नजर आए हैं और इस मामले में दारोगा और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 6 लोग सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। तो शराबबंदी कानून की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आई है। बता दें कि थाने में जब्त शराब बेचने की कोशिश में 6 पुलिसकर्मी समेत खिलाफ कई पर जो है कार्रवाई की गई है। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र समेत 5 पुलिस वाले के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, जबकि एक दारोगा और एक सिपाही को गिरफ्तारी भी की गई है। इस मामले में संलिप्त कुल 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। SP की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। मामला जो है बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाने का है, जहां पे शराब जो है वो जब्त करके लाया गया था। शराब माफियाओं से शराब जब्त करके पुलिस के द्वारा लाया गया था, लेकिन थाने से जो है दारोगा साहब कुछ और ही खेल खेल रहे थे। वो थाने से शराब के सप्लाई करवा रहे थे, शराब बेच रहे थे और इसी मामले में अब जो है दारोगा साहब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 6 लोग जो लोग इस मामले में संलिप्त हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुर थाना की पुलिस ने बीते 12 सितंबर को पुड़वा गांव के समीप फोरलेन पर शराब लदा कंटेनर जब्त किया था। जब्त शराब ब्रह्मपुर थाना में रखी गई थी। SP ने बताया कि यह जानकारी मिली कि जब्त शराब के लिए बगल के कमरे में जो है वो रखा गया था शराब को। इसकी जांच के लिए डुमराव के SDPO को भेजा गया था एवं स्वयं SP भी वहां पहुंचे थे। जांच के दौरान कमरे में 50 लीटर शराब बरामद की गई थी। मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में शराब को जो है वो जब्त किया गया था 12 सितंबर को। लेकिन अब मामला ये निकल के आ रहा है कि ब्रह्मपुर थाना के जो दारोगा साहब है वो खुद ही शराब की सप्लाई करते हुए नजर आए हैं और इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं और उन पे कार्रवाई भी की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस शराबबंदी कानून को लागू कराने के लिए जिसके कंधे पे जिम्मेदारी दी गई है, बिहार पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस तरीके से सतर्क रहें कि बिहार में जो है शराबबंदी कानून पूर्ण तरीके से लागू हो सके, क्या वही पुलिस वाले जो है शराब की सप्लाई कर रहे हैं? जैसा मामला निकल के आया है उससे ये साफ सच नज़र आता है कि बिहार में शराबबंदी कानून की किस तरीके से पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। कानून तो लागू हो गया है लेकिन जमीनी स्तर पे इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। मामला जो है बिहार के बक्सर ज़िले का है, जहां के दारोगा साहब शराब की सप्लाई करते हुए अब सस्पेंड भी हो चुके हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।